हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे जन समर्थन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई गांव का दौरा भी उन्होंने किया है पिछले दिनों। आपको बता दें कि सिरसा वासियों की ओर से गोपाल कांडा को अपार समर्थन भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कंगनपुर रोड पर पप्पू रांझा और सुभाष चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर गोपाल कांडा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गोपाल कांडा को लड्डुओं से तोला गया। गोपाल कांडा ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए आया हूं और आपके सेवादार ने हमेशा से सेवा की है, सेवा करता रहूंगा। जनसभा के दौरान उमड़े समर्थकों के सैलाब गोपाल कांडा को जिताने का आश्वासन देते नजर आए। सारी रात बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद। गोपाल और गोविंद है समाज सेवी। मैं कोई पॉलिटिशियन राजनेता नहीं हूं, क्योंकि राजनेता का काम होता है कुछ और। राजनेता का काम होता है, राजनेता के सिर्फ नेता लेता, और गोपाल का काम है सिर्फ भैया। मैं हूँ सीधा सीधा समाज सेवा करने वाला। इस हिंदुस्तान में, हरियाणा सिरसा की बात नहीं करता, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि आपके भाई गोपाल गोविंद ने कभी राजनीति में किसी से कोई एक रुपया भी लिया है, एक रुपया भी लिया है। ये सेवादार लिखना बड़ा आसान है, पर लिखवाना बहुत मुश्किल है। जब जरूरत पड़ती है शहर को और समाज को, अपने परिवार को, जब इंसान तन मन धन से साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कोरोना का वक्त आया ना, तो मेरे सामने वालों के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि कोरोना का टाइम है, घंटी ना बजाए। और यहाँ 25,000 आदमियों का सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बन के कुटिया से आ रहा था पूरे शहर में। एक जो हॉस्पिटल बनाया था 15 दिन में, उसपे मेरे ख्याल 10-12 करोड़ रुपए की लागत आई थी, पर पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास लेटर आए कि भाई साहब, वो सिरसा की जनता कितनी कैसी, मतलब कितनी अच्छी है जो आप जैसे आदमी को विधायक बनाती है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक भी विधायक नहीं था और ना ही है जो अपनी जेब से 10-12 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन में आपके लिए हॉस्पिटल बना दे, अपने परिवार के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। सम्मान करेगा सिरसा का, जो सम्मान करेगा इस धर्म नगरी का, जो सम्मान करेगा उसको सिरसा की जनता जिताती है, आशीर्वाद देती है। मां बैठे बैठे जो बनाने के लिए या स्वागत करने के लिए आ जाए।